ज्यामध्ये सांगली समाजाची अनेक लोक उपद्रवायचे यंत्रणा मुख्यमंत्री कार्यालय तुमच्या प्रत्येक गोष्टींकडे जबाबदारी घेऊन लक्ष देऊन आपल्याही सगळ्या या जे आपले जे आहे मीडियाचे सगळ्या सिस्टीम आहेत याच्यावरही केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या आय बी विभागाचं लक्ष असतं. रोज रिपोर्ट जातं. हेच ही काही रेग्युलर सिस्टीम आहे. हे काही याला स्पेशल काही लावल्या गेलेलं आहे असं म्हटलं जात नाही. मला आठवतं की 6 महिन्याच्या पहिले एका चॅनलनी डिझेल आणि पेट्रोल याच्या दरवाढीमध्ये केंद्र सरकार कसा लोकांना लुटतो आहे याच्यावरचं ते चॅनल दाखवत होतं. आता त्या चॅनलचं नाव सांगणार नाही. पण जेव्हा त्या संपादकांनी कारण त्या संपादकांनी ती सिरियल सुरू केलेली होती पण दुसऱ्या दिवशी ते आपोआप बंद झालं. मी विचारलं त्या संपादकाला मला मला वरतून दबाव आलेला आहे त्याच्यामुळे मी आता डिझेल पेट्रोल आणि गॅसच्या दरवाढीचं दाखवणार नाही. सांगायचं तात्पर्य असं की केंद्रीय जे काही व्यवस्था आहे ही कसं माध्यमाला दाबतं आणि त्याचा दुरुपयोग कसा करतो हे याच्यावरून सिद्ध होतं. आज डिझेल पेट्रोल आणि गॅस दरवाढ होत आहे त्याला ज्या पद्धतीनं हे देशाच्या राज्याच्या लोकांना लुटलं जाते आहे हे का दाखवलं जात नाही. आणि म्हणून या सगळ्या व्यवस्थेच्या बद्दल मला माध्यमावर आरोप करायचा नाही पण निश्चितपणे या पद्धतीनं केंद्रीय सरकार सगळ्यांवर दबाव आणून लोकांचे प्रश्न उचलणाऱ्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करते अशा पद्धतीची भूमिका आमची आहे. आणि हा जो रिपोर्ट आहे आता आपण इथं बसलेलो आपला रिपोर्ट राज्याला आणि केंद्राला जातच ना. त्याला तर इथं कुणीतरी आयबीचा माणूस असेलच तो जाईलच. त्याच्यामध्ये मी काही चुकीचं बोललो असा काही भाग नाही. पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री माझ्यावर लक्ष ठेवतात अशा पद्धतीचं त्याला चढवून वढवून आपण जे दाखवलेलं होतं. आमचं महाविकास आघाडी सरकारचं एकमत आहे. आम्ही राज्याच्या विकासासाठी आमचं धोरण आहे त्याच्यासाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधीने तयार केलेला आहे आणि त्या आधारावर हे सरकार चालते आहे. पण काँग्रेस आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं डिझेल पेट्रोल आणि गॅसच्या दरवाढीत बेरोजगारांच्या प्रश्नाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला घेऊन गेल्या येत्या 10 दिवस ही लढाई आमची जी सुरू आहे आणि त्या आंदोलनाला जो प्रतिसाद मिळते आहे त्या आंदोलनाला डायव्हर्ट करण्याचा एक प्रयत्न या पद्धतीचं 3 दिवसाच्या पहिले ज्या भाषणाचं काही या संबंधात नव्हतं तरी त्याचं क्लिप काढून दाखवण्याचा जो प्रयत्न झालेला आहे हा याचा काही संबंध येत नाही. जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि काँग्रेस किती या पद्धतीचं काही आमच्याबद्दलचं काटकारस्थान केलं तरी काँग्रेस जनतेचे प्रश्न त्याच ताकदीनं मांडेल आणि त्या जनतेला न्याय मिळवून देणं हा काँग्रेसचं धोरण आहे आणि त्या लाईनवर आम्ही काम करतो. बघा एक बघा सरकार आणि पक्ष याच्यामध्ये दोघांचंही काम वेगळं आहे. पक्ष आणि आपल्याला उद्धव ठाकरे साहेबांचं पाहिलं असेल की त्यांनी पक्षप्रमुख म्हणून जेव्हा आपल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या जिल्हाध्यक्षांना ते संबोधित केलं म्हणून सरकार म्हणून नाही केलं आणि त्याचं आम्ही समर्थनही केलं. आम्ही आता तुम्ही असं काय बोलता याच्यावर कधी आम्ही त्याचा उलट आम्ही अर्थ लावला नाही. ते जर पक्षाचं काम आहे पक्षप्रमुखाला आपल्या कार्यकर्त्यांना उत्साह त्याच्या स्फूर्ती निर्माण करणं त्याला पक्ष वाढवण्यासाठी प्रेरणा देणं हे पक्षप्रमुखाचं काम आहे. मी महाराष्ट्राचा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून माझं काम आहे की पक्षाचा प्रमुख म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देणं त्यांचं घराणं ऐकून त्याला त्याच्यातला मार्ग काढून त्यांना पुन्हा पुढं नेणं हे माझं काम आहे ते मी करतो आहे. सरकार आणि पक्ष या दोन गोष्टीचा फरक असतो असं या मतामध्ये तर पवारसाहेबांनी सांगितलं उद्धव ठाकरे साहेबांनी सांगितलं तर त्याच्यात माझा विरोध काय व्हायचा मला तेच अजून कळायला कारण देखिए ओबीसी का आरक्षण जो कम करने में जो व्यवस्था बनाई महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में वो बीजेपी ने बनाई. हमने बार बार कहा है कि नागपुर जिला परिषद के इलेक्शन 2017 में जब आया था तब राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस थे. नागपुर के जिला परिषद हारने का डर था और इसलिए रोस्टर के नाम से वो इलेक्शन सामने किया. कोर्ट में मैटर गया. कोर्ट के माध्यम से जब तुम्हारा जब सेंसेस का आंकड़ा मांगा तो
तो राज्य सरकार दे नहीं सकी तो केंद्र सरकार भी दी नहीं, जिसका उल्लेख भुजबल जी ने विधानसभा में भी कहा। तो इसका मतलब ऐसा है कि बीजेपी के वजह से ओबीसी समाज का आरक्षण कम हो गया। हमारी कोशिश है कि केंद्र के तरफ से वो जो सेंसस का आंकड़ा है वो मांगने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र ने ओबीसी का आयोग भी बनाया गया है, उसके आधार पर भी हम लोग सेंसस जमा करने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन कोविड की यह स्थिति में क्या स्थिति होती है, 6 महीने के अंदर में यह हम लोग, क्योंकि कोर्ट ने तो 3 महीने की मुदत दी है, ये 3 महीने में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो जो आयोग है वो आयोग का काम अब आयोग करेगी, तो उसके आधार पर जो तैयार हुआ डाटा है वो डाटा अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया तो पूरे देश के ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण बचा सकेंगे। आपने देखा होगा कि मराठा आरक्षण में भी वैसे ही हुआ, जो पिटीशन केंद्र सरकार ने डाली थी उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार ही निर्णय ले, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि सभी जो गड़बड़ है ओबीसी हो या मराठा समाज की हो वो केंद्र सरकार के पास लटकी हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले चुनाव ओबीसी समाज के आरक्षण के साथ हो, ये कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश रहेंगी और उसकी लड़ाई भी समय आए तो रोड पे लड़ने की ही, तो वो आंदोलन भी हम लोग करेंगे। देखो अभी जब भी हमारे प्रभा जी ने भी कहा कि वो 6 महीना अभी समय है, हमारा अभी संगठनात्मक ढांचा और उसकी सब चर्चा उस पर भी हुई है, तो प्रभारी जी ने भी वही कहा है कि 6 महीना बाकी है तो समय आपको उस समय दिखेगा, सोलो रहेगा कि इसके अलावा बीजेपी ने एक और मांग की जिससे यूपी में जनसंख्या कानून बन रहा वैसे महाराष्ट्र में भी ये कानून बनना चाहिए, आपकी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? जब संजय गांधी जी ने यह नारा लगाया था तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, ये लोग तो गिरगुट के जैसे इनका हाल है। अब यूपी का चुनाव आया उसको गिरगुट की तरफ बदलते हैं। अब भाई इसका मतलब ऐसा है कि संजय गांधी को जब क्यों, संजय गांधी ने जो उस समय कहा था तब तो विरोध किसने किया था, इसलिए गिरगुट के बारे में बात करना बीजेपी के अच्छा नहीं लगता। देखो उनके पार्टीगत पार्टी के अंतर्गत मामला है, उसमें हमने ज़्यादा हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो पॉलिसी है बैकवर्ड को बहुजन को उसका चेहरा यूज कर उसको समय के साथ उसको निकाल के फेंक देना, ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। वो फिर गोपीनाथ मुंडे जी हो, एकनाथ खड़से जी हो, ये सब लोगों का उदाहरण महाराष्ट्र में आज भी आप सब लोगों को देखने मिलता है। देखो खड़से जी को तकलीफ देने के चक्कर में उस समय के सरकार ने जोटिंग समिति बनाई थी, अब वो जोटिंग समिति फार्स थी क्या सही थी, क्योंकि गायकवाड़ समिति का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया आप सब लोगों को पता है। इस तरह की कमेटियां बनाना और टाइम पास करना ये फडणवीस सरकार का स्टाइल था, तो गायकवाड़ समिति को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा, वैसे झोटिंग समिति भी एक फार्स होगी और उसका अहवाल ही नहीं आया होगा और खड़से जी को बदनाम करने का काम उसके माध्यम से किया गया होगा, तो ये फडणवीस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं थी, इस तरह का फार्स हो सकता है। सर एक और चीज़ है कि अनिल देशमुख के बारे में ईडी सूत्रों का ये कहना है, वजीर ने जो फिर अपना हालिया बयान दिया है ईडी को पूछताछ के दौरान उसमें उसने कहा है पैसे अनिल देशमुख तक जाते थे और उसकी चैन अनिल देशमुख नंबर वन थे। मुझे ये लगता है कि आरोप लगाने वाले को पहले पैसे का मामला आता तो पैसे कहाँ से लाए यहाँ से शुरुआत होना चाहिए था। माननीय आपको कोर्ट ने भी वो आदेश दिए थे कि पहले वाजे और परमवीर सिंह की जांच हुई, लेकिन जो सीबीआई ने और ईडी ने जो इंक्वायरी की वो सीधी अनिल देशमुख से की, आरोपी तो पहले था जो पैसे देने वाला था, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी रही है ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग वो तो बार बार करते आ रहे हैं, इससे ये खुलासा हो चुका है कि
केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आप कोर्ट के आदेश के आधार पर परमवीर सिंह और वाजी की जब चौकसी होगी तो असलियत सामने आएगी ना। अब पैसे दिए ही नहीं होंगे तो पैसे लिए कहाँ से हो गए? अगर पैसा दिया होगा तो कहाँ से लाया है? इतना पैसा तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो आखिरी ये खुलासा होगा, इस तरह की बदनाम कर सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से बार बार हो रही है, वही उसका एक आप लोगों को देखने मिल रहा है। क्योंकि जिस दिन से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उसी दिन से ये महीने में सरकार गिरेगी, ये महीने में सरकार गिराएंगी, और इस तरह से 2.25 साल हो गई है सरकार को, सरकार गिरा नहीं सके। लेकिन असली चेहरा जो बीजेपी का है, आप लोगों के सामने आया कि सरकार को अस्थिर बना के रखो और राज्य के विकास को रोक दो, जिसे ये सरकार ने कुछ नहीं किया, ये बताने के लिए उनको अच्छा रहे, लेकिन राज्य के जनता का विकास रोकने का अधिकार इनको दिया गया नहीं है। और सरकार को अस्थिर इस तरह से करने का जो है, झूठे आरोप लगाकर, ये भी गलत है। और इसलिए बीजेपी को लोग अब समझ गए और बीजेपी की जगह दिखाने के लिए लोगों ने तैयारी बना के रखी है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे